हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज का ये सेशन काउंसलिंग के रिगार्डिंग थोड़ा सा अलग होने वाला है। हालांकि काउंसलिंग का ये एक पार्ट रहने वाला है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स जिनका यही सवाल है, जिनको नॉर्थ ईस्ट का इंस्टीट्यूट अलॉट हो रहा है कि हमारे बच्चे को NIT मणिपुर में एडमिशन लेना सेफ होगा क्या, हमारा बच्चा कोई भी स्टूडेंट NIT मणिपुर में सेफ होगा, ये ऐसे सवाल क्यों आ रहे हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सब देख पा रहे होंगे, मणिपुर में जिस तरह की घटनाएँ हो रही है, जिस तरह की हिंसा हो रही है, उसको देखते हुए हर किसी पेरेंट्स को ये डर लगेगा, हर किसी पेरेंट्स का, हर किसी स्टूडेंट का ये सवाल होगा। जो स्टूडेंट्स NIT मणिपुर में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, क्या वो सेफ होंगे, क्या उनको किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्या इन फ्यूचर उनको कोई प्रॉब्लम हो सकता है, क्या कैंपस में इस तरह की घटनाएं हो सकती है। तो स्टूडेंट्स इस पे हमारा पूरा डिटेल से ओपिनियन रहेगा और उम्मीद करता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स अगर नॉर्थ ईस्ट के किसी NIT में एडमिशन लेने जा रहा है या फिर आप और कहीं भी एडमिशन ले रहे हैं, तो एक बार सेशन को आप जरूर देखना, जरूर आप अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। तो स्टूडेंट्स हमने काफ़ी सारे लिंक से हमने बात की है, NIT मणिपुर में सीनियर स्टूडेंट से भी की है, डिपार्टमेंट के कुछ स्टाफ से भी की है। तो स्टूडेंट्स आपका जो NIT मणिपुर का कैंपस है, बिल्कुल स्टूडेंट्स 100% वो सेफ है उनके अकॉर्डिंग, और जो करंट सिचुएशन है वो कैंपस बिल्कुल आपका रेजिडेंटल है, 100% आपका कैंपस रेजिडेंटल है और बिल्कुल सेफ है, और उसमें पूरा फोर्स है, आर्मी है, अदर फोर्सेस भी वहाँ पर तैनात है। तो आपको ये भी पता है कि मणिपुर में जो घटनाएँ हो रही है, जो हिंसा हो रही है, वो दो गुटों के बीच हो रही है, दो समुदाय के बीच हो रही है, दो कास्ट के बीच हो रही है। तो इसमें अदर किसी स्टेट के स्टूडेंट को लेकर या फिर अदर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे उनका कोई रिलेशन नहीं है हिंसा को लेकर, ठीक है। हालांकि कैंपस में इस तरह की घटनाएं हो ही नहीं सकती, कैंपस बिल्कुल सुरक्षित है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल होता है कि सर हम वहाँ का जो ट्रेवलिंग है, NIT मणिपुर में जो पहुँचने का ट्रेवलिंग है, क्या वो हमारे लिए सेफ होगा। तो इसके लिए स्टूडेंट्स अगर आपको डर लगता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए सेफ नहीं है, हमारे लिए वर्थ नहीं है, तो स्टूडेंट्स उसके लिए आप डिपार्टमेंट से परमिशन ले सकते हैं। जब थोड़ा ये हिंसा कम हो जाए तो उसके बाद आप रिपोर्ट कर सकते हैं मणिपुर में, आप NIT मणिपुर में आप कैंपस में पहुँच सकते हैं अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम लगता है तो। और इसका अगर आप NIT मणिपुर में जा रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स अगर एक साथ जाएंगे तो इसका भी हम अरेंजमेंट करवाएंगे, इसका भी हम अरेंजमेंट करवाएंगे। अगर आपको इससे ज़्यादा डर लगता है तो मैं आपको खुद NIT मणिपुर में छोड़ के आ जाऊँगा। स्टूडेंट टेंशन मत लो, अगर आपका सपना है NIT मणिपुर में पढ़ने का, या फिर आप अपना एक साल बचाना चाहते हैं, ड्रॉप नहीं लेना चाहते, आपको मणिपुर मिल रहा है, तो बेशक स्टूडेंट्स आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि इस तरह की घटनाएं होने की बहुत न के बराबर संभावना है, अभी कोई दूर दूर तक इस तरह की संभावना नहीं दिखती स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सेफ है। लेकिन इसके बावजूद भी स्टूडेंट्स आपको डर है या फिर आपको लगता है कि ये सेफ नहीं होगा, तो आप बाद में जा सकते हैं, जब ये हिंसा खत्म हो जाए, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल हो जाए, उसके बाद भी आप जा सकते हैं। एक दो महीने का आप वेट कर सकते हैं, जिसका परमिशन के लिए हम बात करेंगे, ठीक है। इसके परमिशन के लिए आप बात करेंगे, खुद भी आप अपने लेवल पर बात कर सकते हैं, आपको परमिशन मिल जाएगी। हालांकि ये हिंसा चल रही है, बहुत लंबे टाइम नहीं रहने वाली है, हालांकि ख़त्म तो होनी है एक दिन, और ये ख़त्म हो जाएगी बहुत जल्दी, और इसके लिए हम सभी ये कामना करते हैं कि इस तरह की घटना किसी भी स्टेट में ना हो, और किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ ऐसी घटना तो बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें कई तरह के स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल भी है, नेशनल भी है, और अलग अलग स्टेट के, जिनका वहाँ के जो चल रहे हिंसा उसे लेना देना ही नहीं है, दूर दूर तक उनको कोई मतलब नहीं है उनसे, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपका क्या डाउट है, क्या सवाल है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपका ओपिनियन क्या रहता है वो भी कमेंट में आप ज़रूर शेयर करना, ताकि ये जो आपका ओपिनियन है वो हम NIT मणिपुर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतज़ार बनाए रखें, धन्यवाद।